हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने भी अभी अभी न्यू कार परचेज की है, आपने अभी अभी ह्यूंडई एक्सेंट परचेज की है, तो आपके स्टार्टिंग के जो 1000 किलोमीटर्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही डिसाइड करने वाले हैं कि फ्यूचर में जाके आपकी कार कैसा परफॉर्म करने वाली है। आपके कार के जो भी पार्ट्स हैं, जैसे सस्पेंशन है, ब्रेक्स है, इंजन है, ये सारी चीज़ें वेल सेटल्ड हुई है नहीं है, ये सारा कुछ ना आपका स्टार्टिंग के 1000 किलोमीटर्स ही डिसाइड करते हैं। और ये जो 1000 किलोमीटर्स होते हैं, फर्स्ट 1000, इसी को कहते हैं ब्रेकिंग पीरियड। तो ये ब्रेकिंग पीरियड हर कार का अलग अलग होता है, उसकी इंजन कैपेसिटी के हिसाब से, किस टाइप की कार है, साइज़ क्या है, उस हिसाब से अलग रहता है। बट इन जनरली स्पीकिंग 1200 cc की कार के लिए लगभग सेम ही रहता है। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि ह्यूंडई एक्सटर का ब्रेकिंग पीरियड में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, और कैसे आपको फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स में आपको कैसी ड्राइव करनी है ताकि आपकी कार अच्छी परफॉर्म कर पाए। तो देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे अगर आप जिम ज्वाइन करते हो, तो आप फर्स्ट डे से जाके 20 kg के डंबल से बाइसेप्स कर्ल्स नहीं मारने लगोगे, आप धीरे धीरे इंप्रूव करोगे, धीरे धीरे वेट इंक्रीज करोगे, तब जाके आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आएगी। तो वैसे ही कार के साथ है, कार जब आपकी न्यू है एकदम, तो इसने अभी तक कुछ भी किया नहीं है, कुछ भी चली नहीं है, तो इसको आप स्टार्ट में जैसा ड्राइव करोगे तो परफॉर्मेंस वैसे ही निकल के आएगी आगे तक के लिए। जैसे कि आप जिम में अगर पहले दिन ही हैवी वेट मार दोगे तो आपको इंजरी हो जाएगी, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे आगे जाके। तो सेम जाता है कार के साथ भी। और ये ब्रेक इन पीरियड में क्या होता है कि आपका जो इंजन ऑयल है वो अच्छे से सेट हो रहा है कि नहीं, जो इंजन है, ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स ऑयल है, सस्पेंशन है, ये सब कुछ सेटल होने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको रेस नहीं करनी है ज़्यादा, डू नॉट रेस द इंजन। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ कि आपको इंजन को ना रेड लाइन तक नहीं लेकर जाना है। देखो, जैसे कि अभी अपने एक्स्टर में तो 1200 cc का इंजन है, देखो ये जैसे मैंने रेस दी, तो ये आपको ज़्यादा नहीं करना है। मतलब जहाँ ज़रूरत है ऑब्वियसली वहाँ तो करोगे ही, पर आपको जानबूझकर इसको रेड लाइन, जैसे कि नहीं, अगर आपके में एनालॉग मीटर है तो आपको दिखता होगा कि उसमें 5000 rpm के बाद ऐसे रेड लाइन रहती है, तो आपको इंजन को रेड लाइन तक नहीं लेके जाना है। जब आपकी कार नई नहीं है और अभी तक 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया कि आपको इंजन को रेड लाइन तक नहीं लेकर जाना है। सेकेंड पॉइंट है कि वाइल्ड ड्राइविंग सडन एक्सलेशन नहीं देना है। सडन एक्सलेशन मतलब कि क्या, जैसे कि आप ड्राइव कर रहे हो और फिर आप एकदम से ऐसे रेस दे दोगे, ये तो वाइल्ड ड्राइविंग आपको सडन एक्सलेशन नहीं करना है। मतलब कि देखो, जैसे कि अभी आप ये नॉर्मली चल रहे हो, ठीक है, अभी मैं प्रेस करूंगा, देखो ये चीज आपको नहीं करनी है। जब आपकी कार न्यू है सिर्फ उस समय तक तो जरूर आपको ये फॉलो करना ही करना है, क्योंकि देखो क्या होता है, अभी इंजन न्यू है, अभी वो पूरी तरह से सेटल हुआ नहीं है, और ऐसे में आप इसको ज्यादा यूज करने लगोगे, ये वही बात होगी जैसे कि आप सुबह नींद से उठे और तभी आपको कोई बोल दे कि आपको हैवी आइटम्स उठाने हैं, 50 किलो की बोरी उठानी है, तो आप नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो वैसे ही इंजन आपका नया है तो उस टाइम पे आपको इसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, ताकि इसका जो भी पार्ट्स वगैरह, जो भी इसका खुलने का जो भी टाइम है, सेटल होने का जो भी टाइम है, वो पहले उतना ओपन हो जाए, प्रॉपरली सब सेट हो जाए, उसके बाद आप ये सब कर सकते हो चाहो तो, पर स्टार्टिंग के 1000 किलोमीटर्स आपको ये अवॉइड करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि डू नॉट मेंटेन सिंगल स्पीड। इससे क्या मतलब है कि आपको एक ही स्पीड में कार नहीं चलानी है। देखो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, अभी जैसे मान लो कि अभी आपको सीधा रोड मिल गया, आप हाईवे पर हो या एक्सप्रेसवे पर हो, देखो जैसे कि अभी मैंने ये, देखो अभी मैंने एक क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया, दिखाओ यहाँ पर, तो आपको ये चीज नहीं करनी है, आपको सिंगल स्पीड पे कार नहीं चलानी, क्रूज कंट्रोल तो यूज ही नहीं करना है। और साथ में जैसे कि आप नहीं ऐसे चला रहे हो तो आप सोचो कि आप 60 की स्पीड पे देखोगे, एक घंटे तक 60 की स्पीड पे चला रहे हो या 90 की स्पीड पे चला रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है। आपको क्रूज तो यूज करना ही नहीं है और सिंगल स्पीड पे नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा स्पीड कम ज्यादा करते रहना है। मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आपको सिंगल स्पीड मेंटेन नहीं करनी है, स्पीड को वेरी करते रहना है, और क्रूज कंट्रोल तो यूज करना ही नहीं है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि अवॉइड हार्ड ब्रेकिंग। इसका मतलब क्या है कि आपको झटका देके ब्रेक नहीं लगाना है, बस इमरजेंसीज को छोड़ के, अगर कुछ इमरजेंसी है तब तो आप जो सही लगता है वो करो, तब ये सब आपको भूल जाना, आपको ये सब ध्यान नहीं देना है।
पर जैसे नहीं आप सिर्फ फन के लिए आप ब्रेक लगा रहे हो, फ्री फोकट में एकदम सडन ब्रेक लगा दे रहे हो, जैसे कि देखो कार ऐसे चल रही हो और एकदम से रोक दिया, ये चीज नहीं करनी है आपको। स्लोली स्लोली ब्रेक्स लगाओ, स्लोली स्लोली ब्रेक्स बोले तो ऐसे करके धीरे 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 रोकना है, ऐसे रोकना है आपको, ये नहीं कि एकदम से रेस दिया और फिर एकदम से रोक दी, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। ना तो हार्ड एक्सेलरेशन करना है और ना तो हार्ड ब्रेकिंग करनी है, दोनों ही आपको अवॉइड करना है। इसके बाद अगली चीज है कि जब आपकी कार न्यू है तो आपको माइलेज को उतना ज्यादा फोकस नहीं करना और पैनिक भी नहीं होना है कि यार माइलेज कम आ रहा है, ये सब चीजें आपको स्टार्टिंग में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कार न्यू होती है तो हर पार्ट में एकदम खाली है वो पूरा, तो वहां पर वो सारी चीजें पहुंचती है और इंजन जैसे कि अभी सेटल हो रहा है, अभी सेटल हुआ नहीं है तो वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस अभी नहीं दे रहा है, जो भी आपको माइलेज आ रहा है वो बेस्ट माइलेज कार का नहीं है अभी, और इस टाइम पे जो इंजन ऑयल है वो भी ये ज्यादा कंज्यूम करने वाला है, क्योंकि जैसे कि इंजन नया है हर पार्ट में वो पहुंचेगा तो सब में ऑयल जाएगा ही जाएगा। तो इसीलिए जब आपकी कार न्यू है और 1000 किलोमीटर कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं देना है कि यार माइलेज कम निकल के आ रहा है, ये गाड़ी तो ऐसे ही है, इन्हें झूठ बोल दिया, जो भी है वो आपको बाद में पता चलेगा। स्टार्टिंग 1000 किलोमीटर तक माइलेज आपका हो सकता है कि कम रहे, कईयों का अच्छा भी आ जाता है, आपकी ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर भी है, और माइलेज कैसे इंक्रीज करना उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा। तो स्टार्टिंग में तो आपको माइलेज कम ही मिलने वाला है तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, पर जैसे जैसे कार चलेगी धीरे धीरे आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे प्रॉपरली तो आपकी कार का माइलेज अच्छा निकल के आएगा कुछ टाइम के बाद, और फिर ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस आपको इन फ्यूचर भी मिलती रहेगी लॉन्ग रन पर भी। तो यही था ब्रेक इन पीरियड के बारे में, और इसका यूज़र मैनुअल पर भी लिखा हुआ है तो वो भी आप जाके रीड कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए और फॉलो करो आप, अगर आप चाहते हो कि आपकी कार अच्छा परफॉर्म करे, आप लंबे टाइम तक रखने वाले हो तो इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करो। तो दोस्तों यही था ब्रेक इन पीरियड के बारे में, आई होप वीडियो अच्छा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।